अब तक आपने देखा राजकुमारी कुंती नवजात कर्ण का त्याग करती है और सुषेण अधिरथ कर्ण की रक्षा कर उसे घर ले आता है। ये जानकर राधा, ये कभी मेरा पुत्र नहीं बन सकता आर्य। कर्ण के जन्म का रहस्य गांव वालों से गुप्त रखने के लिए परिवार समेत अधिरथ शंकुप्रत की ओर प्रस्थान करता है। सूतों को शस्त्र उठाने का अधिकार न होते हुए भी कर्ण की धनुर्विद्या में कुशलता तथा उसकी दिव्यता के बारे में जानकर क्षत्रिय उसके घर को आग लगा देते हैं और प्रोत्साहित करने वाले उसके ताऊ उच्चसेन का हाथ काट देते हैं। गांव छोड़कर अधिरथ अपने परिवार के साथ हस्तिनापुर की ओर प्रस्थान करता है। तभी और कर्ण अपने माता के प्राणों की रक्षा के लिए अपना धनुष उठाता है। मुझे क्षमा कर दीजिए माता, मैं अब आपका वचन छोड़ने जा रहा हूँ। परंतु अब भी यदि भगवान सूर्य की किरणों से भी तेज दौड़कर कोई उस दिव्य औषधि को यहाँ लाएगा तो इनके प्राणों की रक्षा हो सकती। अब आगे भगवान सूर्य नारायण जी, आज केवल एक बार मुझे विजय प्राप्त करने दीजिए, फिर मैं आपसे कभी प्रतिस्पर्धा नहीं करूँगा। एक बार विजय होने दीजिए, एक बार। Oh,
आपका यह पुत्र वास्तव में दिव्य है। खैर, यह सामर्थ्य और आत्मविश्वास का बहुमूल्य संगम है इसके हृदय में। मेरा पुत्र अपने पराक्रमों से संसार में अमर होगा शनि। जैसे तुम्हारी दृष्टि मनुष्य को विकट स्थिति में धैर्य सिखाती है, कारण का चरित्र मनुष्य को संघर्ष की प्रेरणा देगा। स्वस्थ हो गई प्रातःकाल माता, स्वस्थ हो गई राधा। मनुष्य से संभव नहीं था ऐसा प्रयत्न कर्ण ने कर दिया आज। मैंने कहा था ना राधा, कस्तूरी मृग की भांति तुम भी नहीं जानती ईश्वर ने तुम्हें कैसा वरदान दिया है। आर्या, जेठ जी से कही है कि मृग और मनुष्य में यही अंतर है कि मृग वरदान के महत्व को नहीं जान पाता। किंतु तेरा तेरी सही मनुष्य इसका महत्व जान जाता है। हरि जैसे कहिए कि मैं एक सामान्य मनुष्य हूं और इस सामान्य मनुष्य को इतने बड़े वरदान का उत्तरदायित्व लेने से भय लगता है। समय
समय भय से लड़ने की शक्ति दे ही देता है। मेरा पुत्र नहीं बन सकता आर्य, और इस बालक को मैं प्रेम नहीं दूंगी आर्य। माता, मुझे भी अपने हाथों से भोजन कराओ। कोई आवश्यकता नहीं। करण को पालना ही मेरी जीवन की एक पीड़ा है। आज रात भर तुम घर से बाहर खड़े। मुझे क्षमा कर दीजिए माता, क्षमा कर दीजिए। मत कहो माता, मुझे माता कहने का कोई अधिकार नहीं है तुम्हें। नहीं माता, मैं आपके चरणों में पड़ा रहूंगा, आपका प्रत्येक आदेश मानूंगा, किंतु मुझे माता कहने का अधिकार दीजिए। मैं मेरी माता के बिना जीवित नहीं रह सकता हूँ माता। तुम मेरे पुत्र नहीं और मैं तुम्हारी माता नहीं। यदि तुम मुझे अपनी माता कहना चाहते हो तो ये लो गुलाल, तोड़ दो अपना धनुष। क्या, मेरा शिरच्छेद कर दो। हे भगवान सूर्य नारायण जी, मेरी माता की पीड़ा मुझे दे दीजिए। राधा, मनुष्य से संभव नहीं था, ऐसा प्रयत्न कर्ण ने कर दिया आज। Thank you.
सो जा, थोड़ा आराम कर। नगर आने में समय। माता, यदि आपकी लोरी खत्म हो गई है तो मैं सो जाऊं? नींद उड़ा दी मेरी आपने गाकर।